नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई जानदार शानदार वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं कंपैरिजन करने वाला हूं अगारो के इन दोनों ट्रिमर्स का, जो कि मैंने इन दोनों की अनबॉक्सिंग की हुई है चैनल पे। आप चाहे तो आई कार्ड के ऑप्शन में जाके देख सकते हैं, दोनों ही ट्रिमर काफी अच्छे हैं। एक मिनट, अब ठीक है। तो आज हम इन दोनों ही ट्रिमर की कंपैरिजन करेंगे। दोनों में ज्यादा कुछ फर्क है नहीं, सिर्फ 100 रुपए का फर्क है। ये जो अगारो का ट्रिमर है MT-6001, ये 1000 रुपए का आता है, और ये जो अगारो का एक दूसरा ट्रिमर है MT-5001, ये 900 रुपए का आता है। तो देखेंगे क्या फर्क है, आपको कौन सा परचेस करना चाहिए, दोनों में कितने सेटिंग्स है, क्या क्या क्वालिटीज है, कैसे कैसे फंक्शन है, पूरी वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो पे बने रहिएगा, और अगर आपने ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एक आखिरी बात आपसे शेयर करना चाहूंगा, वीडियो मिस ना हो जाए तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। अब सबसे पहले हम इन दोनों के क्वालिटी की बात कर लेते हैं कि हमें इन दोनों में कैसी क्वालिटी देखने मिलती है। मेन में बात करूं तो दोनों की क्वालिटी काफी अच्छी है, आप देख सकते हैं। वैसे तो मटेरियल बहुत अच्छा है, जल्दी से खराब होने वाली चीज है नहीं, ये बहुत प्यारी क्वालिटी। और सबसे मेन बात, आपके हाथ में अच्छे से स्टिक रहती है, मतलब फिसलने का कोई भी चांस नहीं कि आपके हाथ से फिसल जाएगा या गिर जाएगा या जल्दी खराब हो जाएगा, ऐसा कोई भी चांस नहीं है। मैं खुद इन दोनों को पिछले 1 महीने से यूज कर रहा हूँ, अभी तक मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है ट्रिमिंग करते समय, या कोई मुझे खराबी दिखी हो इन दोनों ट्रिमर में। अब हम बात करेंगे इन दोनों के सेटिंग्स की। ये जो अगारो का MT-6001 है, इसमें आपको 20 टाइप्स की सेटिंग्स देखने मिलती है। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, और ये आप इसको पूरा राउंड नेक की तरह आप देखिए, इसमें लगभग आपको पूरे 20 सेटिंग्स देखने मिलेंगे। ये देखिए, आप चाहे इतना ऊपर लेके जा सकते हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है। और इसका जो सेटिंग का तरीका है, सेटिंग चेंज करने का, ये मुझे काफी यूनिक लगा। इसमें आपको 7 सेटिंग्स देखने मिलते हैं। ये देखिए, आपको इसमें पीछे एक लॉक का सिस्टम देखने मिलेगा। जब आप इसको अनलॉक कर देंगे तो आप इसमें सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, यहाँ से पकड़ के। ये देखिए कुछ इस तरह से, अगर आपको ये सेटिंग पे ट्रिम करना है तो आप इसको फिर से लॉक कर दीजिए, तो फिर इसके ऊपर नीचे जाने के कोई भी गुंजाइश नहीं है। तो इसमें आपको देखने मिलेगी 7 सेटिंग्स, और इसमें आपको देखने मिलेगी 20 सेटिंग्स, और फर्क दोनों में सिर्फ 100 रुपए का है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। अब हम बात करते हैं इनके ब्लेड्स की। तो दोनों ही स्टेनलेस स्टील है, सेल्फ शार्पनिंग है, तो इससे बढ़िया तो आपके पास और कोई चॉइस होगी ही नहीं। अब हम बात करेंगे इन दोनों के बैटरी लाइफ की, जो कि सबसे ज्यादा मैटर करती है हर एक ट्रिमर में, कि वो कितने देर तक चल सकता है। क्योंकि काफी बार ऐसा होता है जब हम ट्रिम कर रहे होते हैं तो अचानक से ही ट्रिमर बंद हो जाता है, या अचानक से बैटरी खत्म हो जाती है, या तो ज्यादा जिनको बियर्ड आती है, जिनको बराबर शेप में करनी पड़ती है, उनकी जो ट्रिमिंग चलती है वो लंबे टाइम तक चलती है, तो बीच में ट्रिमर बंद हो जाता है, बैटरी खत्म हो जाती है, तो ये बहुत ही प्रॉब्लम जाती है हर बंदे में। पर इन दोनों ट्रिमर्स में ऐसा नहीं है। अगर आप ये वाला परचेस करते हैं 1000 रुपए वाला, तो इसमें आपको 90 मिनट का यूसेज देखने मिलता है, सिर्फ दो घंटे की चार्जिंग पे आपको इसमें 90 मिनट का यूसेज, और इसमें भी आपको 2 घंटे की चार्जिंग पे 50 मिनट का अच्छा खासा यूसेज देखने मिलता है, जो कि ये प्राइस रेंज में आपको कोई भी कंपनी नहीं देती है। 90 मिनट्स का यूसेज बहुत होता है, यानी 1.5 घंटे। अगर आपको मेरी तरह कम बियर्ड आती है, सिर्फ स्टार्टिंग हुई है बियर्ड आना, तो आप एक बार चार्ज करेंगे 5 से 6 महीने आपको बार नेक्स्ट टाइम चार्ज करनी पड़ेगी नहीं। और ये तो 50 मिनट भी देता है, बहुत अच्छा है, बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी है। और एक और बात, इन दोनों के साथ आपको एडेप्टर मिलेगा, सिर्फ USB कॉर्ड नहीं, साथ में आपको एडेप्टर भी मिलेगा 5 एम्पीयर का, जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। ये दोनों को 2 घंटे में फुल चार्ज कर देगा, नहीं तो बाकी जो कंपनीज है, किसी के ट्रिमर को 6 घंटे लगते हैं, 7 घंटे लगते हैं, 8 घंटे लगते हैं, पर ये आपको सिर्फ 2 घंटे में फुल बैटरी चार्ज करके देगा, जो कि 5 एम्पीयर का आपको इसमें चार्जर भी देखने मिलेगा। यानी अगर आप कंपेरिजन की बात करें तो दोनों ही बहुत प्यारे ट्रिमर्स है, आप किसी के भी तरफ जा सकते हैं, फर्क सिर्फ 100 रुपए का है। आप जरूर डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक ना एक जरूर परचेस कीजिए, अगर आप अच्छा ट्रिमर ढूंढ रहे हैं 1000 रुपए के नीचे। बेस्ट क्वालिटी मिलेगी आपको इसमें, कोई भी गुंजाइश नहीं है, कोई भी कंप्लेन नहीं है, स्क्रीन फ्रेंडली है। मैंने ये ट्रिमर का तो टेस्ट भी करके दिखाया, मेरी अनबॉक्सिंग वीडियो में आई कार्ड पे आपको वीडियो मिल जाएगी। तो
ये था इन ट्रिमर के बारे में मेरी पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन, जो मेरा खुद का पर्सनल यूसेज है, जो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। और अगर आपने ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ट्रिमर्स पसंद आए हो या वीडियो में कोई भी चीज़ आपको पसंद आई होगी, तो मेरे को लाइक करके जरूर बताइएगा कि मुझे पता चल जाए कि आपको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई है। तो आखिरी में बस इतना ही कहूँगा, जय हिंद, जय भारत।